छत्तीसगढ़ में कुछ ही महीनों बाद विधानसभा चुनाव होने वाला है। इससे पहले प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री और दिग्गज कांग्रेस नेता टीएस सिंहदेव का बड़ा बयान सामने आया है। मुख्यमंत्री बनाए जाने के सवाल पर उन्होंने साफ कहा है कि वह कल भी सीएम बनना चाहते थे और आज भी सीएम बनना चाहते हैं। पिछले दो वर्षों में ये पहली बार नहीं है जब सिंह डॉक्टर ने मुख्यमंत्री बनाने का दावा पेश किया हो। इससे पहले भी भूपेश बघेल के साथ उनका संघर्ष चर्चा का विषय रहा है। छत्तीसगढ़ की राजनीति गलियारों में हमेशा चर्चा का विषय रहा है कि काका ने बाबा की कुर्सी की लड़ाई में पछाड़ दिया है। आलाकमान को हमेशा भूपेश बघेल के सामने झुकना पड़ा है। पार्टी आलाकमान को हमेशा लगा कि भूपेश बघेल पार्टी के लिए सिंह डॉक्टर से अधिक कारगर साबित होंगे, इसलिए बघेल के ऊपर आलाकमान ने हमेशा भरोसा जताया। वहीं टीएस सिंहदेव ने वही बात कही है जो वो हमेशा कहते रहे हैं। टीएस सिंहदेव से पूछा कि मैं मुख्यमंत्री क्यों नहीं बनना चाहूंगा, मुझे लगता है कि मुझमें समिति ही सही है लेकिन क्षमताएं हैं, मुझे लगता है कि मैं कभी छत्तीसगढ़ के लिए काम कर सकता हूं, तो अगर मौका मिलता तो मैं क्यों नहीं मैं मुख्यमंत्री बनना चाहता। उन्होंने आगे यह भी कहा कि ये पार्टी फोरम की बात है, जो जिम्मेदारी मिलेगी उसका निर्वहन करूंगा। सीएम पद को लेकर फिर उठी टीएस सिंहदेव के दिल में कसक कही है ये बड़ी बात। नेता टीएस सिंहदेव ने कहा कि मैं आज भी मुख्यमंत्री बनने की चाहत रखता हूं, मैं पहले भी सीएम बनना चाहता था, मैं क्यों नहीं मुख्यमंत्री बन सकता। सीएम पद की जिम्मेदारी मिलेगी उसको निभाऊंगा, मुझे मंत्री पद की जिम्मेदारी मिलेगी मैं उसको निभाऊंगा, मुझे विधायक की जिम्मेदारी मिलेगी उसको निभाऊंगा, पीसीसी चीफ की जिम्मेदारी मिलेगी तो मैं उसको निभाऊंगा, मैं क्यों नहीं सीएम बन सकता हूं। जिला अध्यक्ष कट जिला कांग्रेस अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी मिलेगी उसे भी निभाऊंगा, ये पार्टी के दायरे के अंदर की बात है। जब तक मैं कांग्रेस में हूं पार्टी जो जिम्मेदारी देगी उसको निभाऊंगा। टीएस सिंहदेव ने कहा कि जब हम लोग चुनाव लड़े थे तो कोई मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित नहीं था। चुनाव के बाद चार लोगों को दिल्ली बुलाया गया था, चरणदास महंत, तारमध्वज साहू, भूपेश बघेल और टीएस सिंहदेव। चार लोगों को जब दिल्ली बुलाया गया तब ये बात आई कि इनमें से ही किसी को मुख्यमंत्री बनाया जाएगा, अतः भूपेश बघेल का नाम फाइनल हुआ। मीडिया में ढाई ढाई साल की बात चली, वो मीडिया में रह गई। बंद कमरे में क्या हुआ, मैं स्वतंत्र नहीं हूँ बोलने के लिए, किसी दिन बोलूंगा मैं जनता हूँ, आंख से देखा और कान से सुना। सिंहदेव सीएम पद पर कई बड़े बयान दे चुके हैं, ऐसा पहली बार नहीं है कि टीएस सिंहदेव ने सीएम पद को लेकर बड़ी बात कही है। इससे पहले भी कई बार टीएस सिंहदेव ने सीएम पद को लेकर बयान दिया है, हर बार सिंहदेव का बयान सुर्खियां बनता है, लेकिन इस बार उन्होंने पार्टी के सभी पदों को लेकर एक एक कर अपनी इच्छा जाहिर की है। चुनावी साल में सिंहदेव का यह बयान फिर नया सियासी बघेरा शुरू कर सकता है। ताज़ा खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।